वुमेन रिजर्वेशन बिल की हमने बात की, कुछ पार्टियां कहती हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, अब इस पर आपकी क्या राय है ये मैं जानना चाहूँगी। और दूसरा कि जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभाओं में और संसद में, उन पर क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ अगर पुरुष ही पुरुष आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या महिलाओं के लिए वो रिजर्व सीटें महिलाओं के लिए नहीं है? हाँ, जो ऑलरेडी रिजर्व सीटें हैं अलग अलग कास्ट की बेस पे, उस पर तो सबको मिलना चाहिए मौका। और जो महिलाओं के लिए रिजर्व है महिलाओं को मिलना चाहिए, वो तो मिलती है जी। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मेरे दिमाग में नहीं आता। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई तो कुछ पार्टियों ने कहा कि नहीं, वुमेन रिजर्वेशन के बीच में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए कास्ट के लिए या अलग अलग, ये एक बहाना है उसको डिफीट करने का जी। आप रिजर्वेशन करा लो, आप अपने दिल में रखो रिजर्वेशन, आप उसमें अपने लोगों को जिसको चाहो आप दे दो, कौन मना करे। आपको चाहिए तो आप अपर कास्ट को दो, लोअर कास्ट को दो, किसी रिलीजन को दो, किसी कास्ट को दो, ये तो आपकी मर्जी है, पर महिला तो हो जी। जेंडर रिजर्वेशन करो, तुमको कास्ट क्रीड रिलीजन रिजर्वेशन करना तो तुम कर लेना अपने लेवल पे जी, पार्टी के लेवल पे। हाँ, अपने यहाँ जिसको तुम्हें देना है जी। तुम्हें लगता है कि यहाँ से कोई बैकवर्ड क्लास की जीतेगी तो बैकवर्ड को दे दो, तुम्हें लगता है अपर कास्ट की जीतेगी तो अपर कास्ट को दे दो, तुम्हें लगता है कोई अलग धर्म की जीतेगी तो उसे दे दो, तुम्हें जिसको जी चाहे दे दो, कौन ने मना किया है।